मुश्किल होता है चूज करना है क्योंकि अब अप, अपन तो मतलब ऐसा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर ये होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अ मस्ट राइट सो हाउ डिड यू टेक द पंट तो मैं एमएससी uh, करने के बाद uh, धर्मशाला में था मेरा जो डिपार्टमेंट था hmm. तो मैं धर्मशाला में रहा कोई 5 छः साल 6-7 hmm. साल और वहां खूब मस्ती करी मक्लौडगंज में पहाड़ों में ऊपर नीचे मैं पूछने वाला हूं कि बाबा जी पार्वती से क्या लाए <laughs> राइट right. वो गाना बजाते हो तुम मेरा यार अरे गार मेरे इसीलिए तो पार्वती तो अब तो बहुत लोग जाते हैं ये बेचारे समझ नहीं पाएंगे अरे ये कितनी गहरी बात है सब समझ जाते हैं ना है पार्वती बाद में बताता हूँ तो तो मैं अपने होम टाउन आ गया नहान आ गया और मेरे फैमिली में जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो ब्यूरोक्रेट बन गए वो सिविल सर्वेंट बन गए ये बाकी भाई बहनों के लिए बड़ा प्रेशर हो जाता तो लोगों को लगा ये भी कुछ ऐसा ही करेगा मतलब कि और बंदे ने एम भी किया हुआ है एम भी मैंने इसलिए किया कि मेरे पिताजी ने कहा कि ग्रेजुएशन से क्या होता है यू नो ग्रेजुएट क्या होता है कुछ भी नहीं होता आज की डेट में तो मुझे लगा चलो कर लेते हैं और मैंने कहा चलो मस्ती मारेंगे यूनिवर्सिटी में और जियोलॉजी एक सब्जेक्ट था जो मैंने सेकेंड ईयर में ले लिया था आ, मैं मेडिकल पढ़ रहा था मैं तो मेरे पास था जियोलॉजी बॉटनी काफ़ी पढ़ रहे के हमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट होते हैं ना जो मेडिकल साइंस में मैंने फिर बॉटनी ड्रॉप कर दिया सेकेंड ईयर में बॉटनी मुझे बहुत बोर लगता था तो मैंने सेकेंड ईयर में फिर पता किया कॉलेज में कि अभी क्या कर सकता है मतलब क्या सब्जेक्ट ले सकता हूँ मैं तो फिर मुझे किसी प्रोफेसर साहब ने बताया कि मैंने कहा जी मैं जोग्राफी ले लेता हूँ तो उन्होंने बोला नहीं वो तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है आप नहीं ले सकते आप साइंस में हो तो मैंने बोला जी साइंस का ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं मेरे पास नहीं है और मेरे इंटरेस्ट का हो तो उन्होंने कहा फिर जियोलॉजी हो सकता है तो मैंने बॉटनी ड्रॉप करके जियोलॉजी ले लिया फिर फाइनल ईयर में भी वही किया फिर एम भी फिर उसी में मुझे लगा जियोलॉजी ठीक है तो धर्मशाला और उसके बाद फिर नाहन आ गया फिर नाहन में जब प्रेशर पड़ा तो फिर मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा मतलब कब तक गाली खाऊंगा डिनर टेबल पे फिर मैं एक दिन बोरिया बिस्तरा उठाया मैंने और मैं दिल्ली आ गया दिल्ली में एक मेरे कज़न थे यहाँ पर बहुत अच्छे इंसान थे अभी तो बेचारे नहीं रहे

कुछ काम दिला दो अच्छा मेरे जहन में ये था कि मैं, आ, कुछ और नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं मतलब -डूबा करने के बाद अच्छा ये कंपोज मैंने धर्मशाला में कर लिया था जब मैं कॉलेज में था okay, okay. ये गाना मैं साथ लेके फिर दिल्ली आया मतलब तो मुझे लगा यार दो चार लाइनें जोड़ तुकबंदी कर लेता हूँ और ट्यून भी बन जाती है

पर तू म्यूजिक क्यों नहीं करता तो ही सोच ले यार तू मैं तेरे को सकता का जॉब पर तू अभी थोड़ा पार्टी कर ले और ये कितने हो चुके थे उसके बाद की बात है <laughs> पहले तो थोड़ा ठीक था फिर थोड़े ज्यादा हो गए थे फिर वो मुझे फिर से मिल गया पार्टी में <laughs> तो कहता अब बता <laughs> अब माहौल तेरा ठीक है तो मैंने बोला यार माहौल तो ठीक है लेकिन मुझे तू अब फाइनल बता दे कि तू क्यों बोल रहा है मुझे म्यूजिक करना चाहिए कहता है तो यार देख फर्क ऐसा है कि अगर तू कापी बन जाएगा क्योंकि तू बन जाएगा मैं तेरा कुछ करा दूंगा तो तेरे को रोज़ दफ्तर जाना पड़ेगा नौ बजे वापस घर आने का मालूम नहीं होगा डेड होगा क्लाइंट से गाली पड़ेगी तेरे बॉस से भी गाली पड़ेगी तेरा जो कॉपी लिखेगा उस पर डांट पड़ेगी वो चेंज करना पड़ेगा रात दिन और मेरे वाला म्यूज़िक कहता है तो तो म्यूजिक बना अगर तेरा अप्रूव हो गया स्टूडियो में जा गाना गा घर जा चेक लेके